कोरिया सीरीज के आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूरियर सीरीज. सो एज वी नो दैट द फूरियर सीरीज फॉर ए फंक्शन एफ एक्स ऑफ पीरियड 2L इज गिवन बाय और रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए वन कॉस पाई एक्स बाई एल ए टू कॉस 2 पाई एक्स बाई एल. Similarly, for n term, it is a n cos n pi x divided by l. And similarly, for sine series, b1 sin pi x by l plus b2 sin 2 pi x by l. And for nth term, bn sin n pi x by l plus dot dot dot. So this is equation number 1. We know that in the form of complex number, e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta. So if we solve it, we have cos x is equal to e to the power I x plus e to the power minus I x divided by 2. And for sin x, it is e to the power I x minus e to the power minus I x divided by 2i. So now, substituting the value of cos x and sin x in equation number 1, we get the following series. And we put the value of sine and cos in complex form, we get following series. That is, a naught divided by 2, a1. In place of cos, we know that e to the power I pi x by l plus e to the power minus I pi x divided by l divided by 2 plus a2. E to the power 2 pi I x by divided by L plus e to the power minus 2 pi x divided by L divided by 2. Similarly, for sine series, we have b1 into, in place of sine, we have e to the power I pi x by L minus I e to the power I pi x divided by L divided by 2i. And for cos, for sine 2x, we have b2 e to the power 2i pi x by l e to the minus e to the power 2 pi I x divided by l divided by 2i. So now, taking first term of every series, that is a1 e to the power I pi x by l divided by 2. यहाँ पे a1 to a1 e to the power I pi x by L और यहाँ पे e to the power I pi x ये common term है a1 पे और ये b1 पे. उसी तरह से इस a2 पे first term और b2 का first term same है, लेकिन जो sin का series है वो I से multiply है, divide है. So I से divide है तो अगर इसको ऊपर नीचे I से multiply करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा I और नीचे में हो जाएगा I square. आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस. सो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन ई टू दी पावर आई पाई एक्स ए वन डिवाइडेड बाय टू. और चूंकि इसको ऊपर नीचे हम लोग आई से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर में हो जाएगा आई और नीचे में हो जाएगा आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन. सो ये हो जाएगा माइनस. सो माइनस आई बी वन डिवाइडेड बाय टू, ये दो टर्म. उसी तरह से फॉर इस दोनों टर्म में a2 माइनस ऑफ आई बी टू डिवाइडेड बाय दोनों में 2 कॉमन 2 e to the power 2 i pi x by l. इस तरह से ये cos का सीरीज बढ़ेगा. उस तरह से सेकेंड टर्म अगर हम लोग लें जिसमें e to the power माइनस आई पाई एक्स बाई एल है और यहाँ b1 e to the power माइनस आई पाई एक्स बाई एल है, तो हम लोग ने ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो गया है i, तो यहाँ तो माइनस का माइनस रहेगा और ये आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है. ये दोनों टर्म ऊपर नीचे आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है. पहले से यहाँ पे क्या है, पहले से माइनस है और ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस. तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये टर्म हो जाएगा ए वन प्लस आई बी वन बाई टू. और यहाँ पे सिमिलरली हो जाएगा ए टू ई टू दी पावर टू पाई एक्स वाई एल, ये तो कॉमन हो गया तो ए टू बाई टू और b2 और ये माइनस और माइनस चूंकि आई मल्टीप्लाई हुआ है पीछे में आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस. सो आई बी टू डिवाइडेड बाई टू. इस तरह से इस सीरीज को हम लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग ये जो टर्म है
ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट मान लेंगे। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ए माइनस आई बी और ए ए प्लस आई बी वन, ये दोनों का एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट कहने का मतलब अगर इसके ऊपर बार लगाते हैं तो दोनों का साइन जो है वो चेंज कर जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो टर्म्स है हमारा ये कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में आ जाए। ये जस्ट इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट, इस तरह से सारे सीरीज में हमारा कॉन्जुगेट हमको फाइंड होगा। सो एज वी नो दैट टेकिंग ए नॉट बाई टू एज सी नॉट, ए वन माइनस आई बी वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू सी टू सी वन, ए टू डिवाइडेड बाई आई बी टू बाई टू इज इक्वल टू सी टू। अभी हम लोगों ने कहा कि ये जो है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो इसको हम लोगों ने सी वन सी टू लिया। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सी माइनस वन और सी माइनस टू का टर्म यूज किया है। तो सो ए वन प्लस आई बी वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू सी माइनस वन एंड ए टू प्लस आई बी टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू सी माइनस टू टू द पावर माइन टू पाई एक्स बाई टू। नाउ दिस इज द सीरीज, ये सीरीज के फॉर्म में जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट वाले फर्स्ट टू टर्म्स को जो पॉजिटिव टर्म्स में है, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर आई एन पाई एक्स बाई एल। सिमिलरली जो नेगेटिव टर्म्स है उसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी माइनस एन ई टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स बाई एल, वेयर सी एन इज इक्वल टू हाफ ए एन माइनस आई बी एन, मतलब एनथ टर्म जो हम लोग यूज किए हैं, और सी माइनस एन इज इक्वल टू हाफ ए एन प्लस आई बी एन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस आई सी एन। सो एज वी नो दैट सी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू एंड ए नॉट इज वन बाई एन जीरो टू ट्वेल्व एफ एक्स डी एक्स। ए नॉट जो है फूरियर फर्स्ट कोफिशिएंट है और इसका वैल्यू होता है जीरो टू ट्वेल्व एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ मेरा पीरियड जो है वो ट्वेल्व का है, पहले ही हम लोग मेंशन कर चुके हैं। सो सी नॉट का वैल्यू हो गया वन बाई ट्वेल्व जीरो टू ट्वेल्व एफ एक्स डी एक्स। सी एन, सी एन का वैल्यू है मेरा हाफ ए एन माइनस आई बी एन। ए एन मेरा फर्स्ट फूरियर कोफिशिएंट है, बी एन मेरा जो है सेकेंड फूरियर कोफिशिएंट है। सो दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स और ये आई टाइम्स है दिस, दोनों में कॉमन है हमारा वन बाई टू वन बाई एल जीरो टू ट्वेल्व एफ एक्स और इधर डी एक्स इधर से कॉमन, तो ये हो गया कॉस एन पाई एक्स एल माइनस आई साइन एन पाई एक्स है। और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इसका वैल्यू होता है माइनस ऑफ आई ई टू द पावर माइनस ऑफ आई थीटा, थीटा की जगह पे हमारा जो है एन पाई एक्स बाई एल है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। सो ये सी एन का वैल्यू हो गया। इसी तरह से सिमिलरली सी माइनस एन, तो जहाँ माइनस है उसको प्लस से रिप्रेजेंट करना है, चेंज कर देना है, तो वन बाई ट्वेल्व जीरो टू ट्वेल्व यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो एफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल डी एक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फूरियर कोफिशिएंट, सेकेंड फूरियर कोफिशिएंट एंड द थर्ड फूरियर कोफिशिएंट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। सो वी कैन डिड्यूस एंड यूज दीज रिजल्ट्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी नॉट सी एन एंड सी टू द पावर माइनस एन टू फाइंड द एनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूरियर सीरीज।